दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के जूने को लेके, जो कि अक्सर यूज करने के बाद इनकी तारे काफी शार्प हो जाती है। जब हम इससे बर्तन क्लीन करते हैं तो यह हमारे हाथों में चुभती है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और कई बार हमारे घर में इस तरीके के भी कपड़े धोने वाले ब्रश होते हैं, जिसको की यूज करने के बाद धीरे धीरे इसके ब्रिसल्स काफी हार्ड हो जाते हैं और ये सफाई का काम ठीक ढंग से नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इन दोनों का ही बहुत ही बढ़िया रीयूज मैं लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है कि आप इन दोनों को बिल्कुल भी ना फेंके। आपने क्या करना है, ये जो आपका लोहे वाला स्क्रबर है, इसको आपने इसके ऊपर इस तरीके से किसी भी रबर बैंड की मदद से या किसी भी धागे की मदद से आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लगा दिया है। अब इसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से अपने बर्तन को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। इससे आप अपने बर्तन क्लीन करेंगे ना तो ये आपके हाथों में चुभेगा और बड़ी आसानी से आपके बर्तन क्लीन हो जाएंगे और ये जो स्क्रबर है आपके हाथों में चुभेगा नहीं। इसकी मदद से आप अपने किचन और बाथरूम की टाइल्स को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ब्रश नहीं लेना पड़ेगा, आपके इसी दोनों ब्रश की मदद से दोनों काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है व्हाइट कपड़ों को लेके। दोस्तों, जब भी हम व्हाइट कपड़ों को वॉश करते हैं तो इनके अंदर ब्राइटनेस लाने के लिए हैं, हम ज्यादातर इस तरीके के रोबन नील का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम जब रोबन नील का इस्तेमाल करते हैं और जब हम कपड़ों को सूखने के लिए डालते हैं, तो आपने देखा होगा सूखने के बाद इसके अंदर जगह जगह कहीं पर नील के पैचेस रह जाते हैं, जो कि देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरीके के अपने व्हाइट कपड़ों को धोएं, तो आपने क्या करना है, आपने नील डालने से पहले इसके अंदर डाल देना है एक चम्मच इस तरीके से नमक, और इसको आप अच्छी तरीके से अपने पानी में मिला दें, और इसके बाद आप इसके अंदर नील ऐड करके अपने व्हाइट कपड़ों को वॉश करें। इस तरीके से करने से क्या होगा दोस्तों, आप जब अपने कपड़ों को सूखने के लिए डालेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके कपड़ों के ऊपर जो नील के पैचेस रहते थे वो आपके बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो अक्सर क्या होता है, हम जीन्स को इस तरीके से ही रफली फोल्ड करके रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसकी प्रेस बड़ी जल्दी खराब हो जाती है और जहां भी हम रखते हैं तो ये बार बार खुलती रहती है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ, जिसकी मदद से आपकी जीन्स जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी और आपका बहुत कम जो है स्पेस भी घेरेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे नॉर्मली आप अपनी जीन्स को प्रेस करते हैं उसके बाद प्रेस कर लीजिए, उसके बाद आपने जीन को इस तरीके से खोल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आप हाफ में फोल्ड कर दें और इसका ये जो बाकी इसकी लेग्स है इसको आपने इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपने इसको हाफ में फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने हाफ फोल्ड लेग्स की है इसको हमने इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देनी है। ये देखिए, इसके दोनों लेग्स को मैंने इसके ऊपर वाले हिस्से में अच्छी तरीके से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। इस तरीके से हमारी पैंट बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है और ना ही इसकी प्रेस खराब होती है, और आप इसको जितना मर्जी उल्टे पलटे तो ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पैंट प्रेस रहती है, बिल्कुल भी इस पे सिलवटे नहीं पड़ती है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी पैंट को ऑर्गेनाइज करें तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के पॉलिथीन्स को लेके। दोस्तों, हमारे घर में इस तरीके के ढेर सारे पॉलिथीन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर फेंक देते हैं क्योंकि इनको संभाल कर रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आप इनको फेंकने की बजाय बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरीके का हैंगर लेना है जो कि आपका खुल सके। जैसे कि मेरा ये हैंगर खुल जाता है, तो इस तरीके का आप कोई हैंगर ले जो कि आपका खुल जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन पॉलिथीन्स को आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है और इसके ये जो ऊपर वाली साइड है इसको पकड़ते हुए हमने अपने हैंगर के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इस तरीके से मेरे जितने भी पॉलिथीन है इसको मैं इसके अंदर डालकर अरेंज कर लूंगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसके अंदर कम से कम 4-5
जो है पॉलिथीन हैंग कर लिए। अब आपके पास चाहे जितने मर्जी पॉलिथीन हो आप इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसके अंदर हम दोस्तों अपने जितने भी जूते चप्पल हैं वो हम इसके अंदर बड़ी आसानी से रख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने अपने जोड़ी रखे हैं, फिर भी इसके अंदर स्पेस खाली है। इसके अंदर अभी भी एक दो जोड़ी और आ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बड़े पॉलिथीन के अंदर बड़े जूते चप्पल और छोटे पॉलिथीन के अंदर छोटे जूते चप्पल रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो जूते चप्पल हमारे बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और दूसरा क्या है कि हमारा स्पेस भी काफी बचता है। अगर हम इसके लिए रैक खरीदने जाते हैं उसके अंदर, उसके लिए हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और हमारा स्पेस भी काफी सारा लग जाता है। तो इस तरीके से हम अपने सारे जूते चप्पल इसके अंदर डालकर रखेंगे, एक तो वो धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और दूसरा ये बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद आप इसको अपने दरवाजे के पीछे कहीं भी टांग सकते हैं या आप अपने घर में कोई ऐसा कोना जहां पर भी आप अपने शूज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ऐसा कोना जहां पर भी आप अपने शूज या जूते चप्पल ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पर आप इसको अपने किसी भी कील के ऊपर या हुक के ऊपर टांग दीजिए। इसमें आपके ढेर सारे जूते चप्पल आकर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इस तरीके से आपका स्पेस तो बचता ही है और साथ साथ आपके जूता स्टैंड खरीदने के भी पैसे बचते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के साबुन को रैपर को लेकर। जब हम इसमें से साबुन यूज कर लेते हैं तो हम इसको उठाकर कबाड़े में फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, ये साबुन के रैपर ले लें और उसको इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर देना है। ये देखिए इसको मैंने कट कर दिया, चाहे तो आप इसको अंदर की तरफ भी मोड़ सकते हैं लेकिन मैं इसको कट कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे डबल साइडेड टेप और हम डबल साइडेड टेप लेके इसको इसके ऊपर चिपका देंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जब भी किचन में हम आटा गूंथते हैं और हमने रिंग पहनी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, अक्सर आटा गूंथते टाइम अपनी रिंग को निकाल कर रख देते हैं और कई बार ऐसी जगह रख देते हैं कि हमें वो मिलती भी नहीं है और मिसप्लेस हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप आटा गूंथे तो अपनी रिंग को उतार कर आप इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसके अंदर रिंग डाल के रखेंगे तो आपको आसानी से रिंग मिल भी जाएगी। दूसरा इस्तेमाल ये हो सकता है कि दोस्तों कई बार हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चाबीज होती हैं जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं अपनी चाबी को भी इसके अंदर डाल के रख सकते हैं और जब आपको चाबी की जरूरत होगी तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से निकाल कर इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम तो बचेगा और साथ साथ आपकी चाबी घूमने से भी बच जाएगी। चलिए फ्रेंड्स मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की आटा की थैली को लेकर, जो कि अक्सर हमारे घर पे आती है, काफी सारी इकट्ठी हो जाती है तो हम क्या करते हैं इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आगे से आप इसको फेंके नहीं, आप क्या करें। हमारे घर पे इस तरीके के दोस्तों काफी सारे पिलो कवर बेकार पड़े होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी ये जो आपकी थैली है इस तरीके के पिलो कवर के अंदर अपनी ये वाली जो थैली है इसको आप इस तरीके से डाल दें। अगर तो आपकी थैली बड़ी है, दोस्तों मेरी थैली छोटी है तो मैंने इसको डाल दिया है तो मेरा स्पेस आगे से थोड़ा सा पिलो कवर भी बड़ा है तो बच रहा है। तो आप क्या करें इस तरीके से, अगर आपका पिलो कवर बड़ा है तो आप इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर दें। ये देखिए मैंने इसको ऊपर से फोल्ड कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों किचन में जब भी हम अपने बर्तन को वॉश करने के लिए स्लैब के ऊपर इस तरीके से रखते हैं, कई बार हमारे पास स्टैंड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं स्लैब के ऊपर इस तरीके से रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो स्लैब है इसका पानी, बर्तनों का पानी गिरने के कारण हमारी स्लैब जो है नीचे से गंदी हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर काफी सारे हार्ड वाटर स्टेन आ जाते हैं जिसको क्लीन करने के लिए हमारा काफी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपको बर्तनों को रखना हो तो डायरेक्ट आप स्लैब पे ना रखें, इस तरीके से आप अपने पिलो कवर के अंदर रखें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो बर्तन है एक तो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे और आपका नीचे वाला सरफेस बिल्कुल भी गंदा या गीला नहीं होगा, और इसके बाद जब आपके बर्तन सूख जाए आप इसको लगा लें तो उसके बाद आप अपने कवर को अपना सुखा कर फिर से यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। दोस्तों कई लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है जिसके कारण वो डॉक्टर के पास जाकर महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं और काफी महंगा इलाज करवाते हैं, लेकिन जो हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होती हैं, जिसके कारण हमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए आप अपने घर पे रखा हुआ इस तरीके से कोई भी सैनिटरी पैड ले लें और उसके बाद हमें जरूरत होगी किसी भी एसेंशियल ऑयल की। आप एसेंशियल ऑयल में अगर लेवेंडर ऑयल ले तो ज्यादा बेटर है, अगर वो नहीं तो जिस भी ऑयल की फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आप पैड के ऊपर इस ऑयल को स्प्रिंकल कर दें। इसके बाद आप ले लें कोई भी अपने घर पे रखा हुआ पिलो कवर और इसके बाद हमने क्या करना है
इस सैनिटरी पैड को हमने अपने पिलो कवर के अंदर लगा देना है। इसको हम लगा देंगे। इसके बाद आप इस पिलो कवर को लेकर सोएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो भीनी भीनी खुशबू है, इससे आपकी टेंशन जो है सारी रिलीज हो जाएगी और आपको बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी नींद नहाने की समस्या कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगी। और दूसरा फायदा इसका ये है कि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम ऊपर के पिलो कवर तो धो लेते हैं लेकिन हमारा अंदर का पिलो जो है गंदा रह जाता है, क्योंकि हम इसके ऊपर कई बार तेल लगे हुए बालों से सो जाते हैं, जिसके कारण इसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप पैंटी लाइनर का यूज करेंगे तो आपको दोनों ही समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। एक तो आपके पूरे रूम में भीनी भीनी खुशबू फैल जाएगी और आपके जो पिलो कवर में से गंदी स्मेल आ रही है वो दूर हो जाएगी, और दूसरा अगर आपको नींद की ना आने की समस्या है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।